कि बलोच बच्चा अगर कराची की गलियों में से गुजरे तो उसका शनाख्ती कार्ड देखकर, उसकी रिहाइश लियारी में और मलीर में देखकर, उसे मोटरसाइकिल से उतारकर गोलियों से भूना जाए। पश्तून अपनी रंगत की वजह से अगर छोटा मासूम बच्चा किचरे के ढेर से प्लास्टिक की थैलियां चुन रहा हो, बस का कंडक्टर रात को अपनी दिहाड़ी लेके बच्चों के पास जा रहा हो, तो उसकी रंगत देखकर उसको गोलियों से भूना जाए। इमरान खान के आने पे पाबंदी लगे, नवाज शरीफ के खिलाफ तूफान बर्पा किया जाए, इस्लामी जमीयत तुलबा के कारकुनों को चुन चुन के शहीद किया जाए, वकीलों को जिंदा जलाया जाए, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची एयरपोर्ट पर कैद हो, जस्टिस मुशीर आलम को दरवाजे बंद कर हाई कोर्ट में बंद कर दिया जाए, कराची की गलियों में जलावतन हो, वो समझते हो कि हम बोस्निया में या फलस्तीन की किसी गली में कैद हैं बकौल फैज, तो फिर ऐसी हालतों में क्या हर रोज मरना चाहिए? हर रोज जी जी के मरना और मर मर के जीना चाहिए? फैज के लफ्जों में कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादर कि वतन बदर हो हम तुम, जे गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का कि सुराख कोई पाए, किस यार नाम भर का हर एक अजनबी से पूछें, जो पता था अपने घर का, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, तो मैं क्या कहूं मैं क्या है, शब गम बुरी भला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। कारसाज पे ये बलोच जियाले थे, जब शहीद बेनजीर भुट्टो का घेरा किया गया, बम फटा, वजीर और मुशीर भाग गए, वो लियारी के बलोच थे जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया, बेनजीर को तना नहीं छोड़ा, और जिन्होंने बेनजीर साहबा को गाड़ी से उतार कर महफूज मकाम पे पहुंचाया। वफाकी घरू सलाहकार।